प्राणघातक हमला करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया है। दरअसल पीड़ित ने आरोपी से कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण आने से मना किया था, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित पर जान से मारने की नीयत से वार करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तो वहीं अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की विवेचना शुरू की गई। इसी दौरान विश्वसनीय मुखबिरों से आरोपियों के गौरीघाट में छिपे होने की सूचना पर मुखबिर के बताए हुए स्थान पर दबिश देते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया और पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद करते हुए आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रजक निवासी सदर के द्वारा दानिश अली को मना किया गया था कि मोहल्ले में कोरोना है, लड़कों को लेकर मत आया करो। इस बात से लेकर के दानिश अली उसके ऊपर बुराई रखता था और दिनांक 27/6 की रात में 11 बजे के करीब जब वह मेन रोड काफी हाउस के सामने टहल रहा था, उसी समय अपने साथी साहिब अली और दिलसाद अली के साथ गाड़ी पे आया और आकर के उसको रोक करके और चाकू से मार दिया। जो रिपोर्ट पर धारा 307, 294, 506, 188, 34 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? तीन आरोपियों को जो आरोपी घटना में संलग्न थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको कुछ पुराने इनके ऊपर अपराध भी हैं? ये हनुमानताल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हनुमानताल थाना से इनका रिकॉर्ड मंगाया जाता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।